ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ब्रीड लवर्स हैं, जो सिर्फ ब्रीड वाले डॉग्स को प्यार करते हैं। आप देखिए, ये पग ब्रीड डॉग है, फीमेल डॉग है, कितना बुरा हाल है इस बच्ची का। आप टिक्स देख सकते हो। इस बच्ची को पहले ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया गया और जब इसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो उस फैमिली ने इस बच्ची को अपनी गली में छोड़ दिया, वो भी उस टाइम पर जब ये पीरियड्स पे आई हुई थी। हम इस बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए नेक्स्ट डे, तो इसके सारे हमने ट्रिक्स रिमूव करवाए। उसके बाद बच्ची का प्रॉपर ट्रीटमेंट चला और ये बच्ची पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी, क्योंकि उस फैमिली ने इस बच्ची को ट्रीटमेंट नहीं दिया। बिल्कुल नॉर्मल डॉग थी, लेकिन ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इस बच्ची की आँखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो देखो, ये भी एक ब्रीड की बच्ची है, जिन्होंने अबैंडेड करना है, जिन्होंने टॉर्चर करना है, जिन्होंने छोड़ना है, वो ब्रीड्स वालों को भी छोड़ देते हैं। हम एनिमल लवर्स के लिए सारे डॉग एक जैसे होते हैं, चाहे कोई इंडी हो चाहे कोई ब्रीड डॉग हो, लेकिन जो स्पेसिफिक ब्रीड लवर्स होते हैं वो सिर्फ महंगी महंगी ब्रीड्स को प्यार करते हैं। क्यों आप लोगों को बोला जाता है कि आप इंडी डॉग्स को अडॉप्ट किया करो? क्योंकि अगर आप उनको अडॉप्ट करोगे, उनको एक फैमिली मिलेगी, उनको प्यार मिलेगा। दूसरी तरफ आप ब्रीड्स वाले बच्चों को खरीद के अपने घर में लाते हो, और कभी ये सोचा कि जब ये डॉग्स बूढ़ी हो जाती हैं, ये बच्चे देना बंद कर दी जाती हैं, तब ये कहाँ जाती हैं, क्या किया जाता है इनके साथ? आपका जो इंटरेस्ट इन महंगे महंगे डॉग्स को खरीदने का इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि आप इन बच्चों की इस हालत की जिम्मेवार हो। और अगर आप ये ब्रीड्स खरीदने के बजाय अपनी गली, अपने मोहल्ले में डॉग्स की केयर करते हो, तो सोचो आप कितनी जिंदगियां बचा रहे हो। क्योंकि आप लोगों ने इन बच्चों को एक बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी है। लोग पहले जाकर अपनी बुकिंग्स करवा के आते हैं कि हमें ये डॉग चाहिए, ये कलर का डॉग चाहिए, और आप ही सच में इनकी ये हालत की जिम्मेदार हो। इतने डॉग्स बेचारे ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जूली अभी हमारे घर में ही रहती है, हमारे साथ ही रहती है। ब्लाइंड होने की वजह से मैंने इस बच्ची को किसी और फैमिली को अभी अडॉप्ट नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ये रहता है कि जिस जैसे हम प्यार करते हैं, मुझे ऐसा परिवार चाहिए इन बच्चों के लिए। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देखे होते हैं कि मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं इस नन्ही सी जान को किसी के हाथों में ऐसे सौंप दूँ। तो जब तक आप ये डॉग्स का व्यापार बंद नहीं करोगे ना, ये बच्चे ऐसी सड़कों पर रुलते रहेंगे और इतनी बुरी ज़िंदगी जीते रहेंगे ये।